हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो आज हमने ये देखिए, हमने ओल्ड स्वेटर लिया है इस तरीके का, इसका रीयूज़ करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पेंट वगैरह लग गया था, थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए हम इसका रीयूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी स्लीव्स का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो आप चाहें तो इसकी स्लीव्स को पहले ही कट करके नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हैं, तो लेकिन मैं इसको चेक कर रही हूँ कि हम इसको कैसे निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम, आप चाहें तो इसको ऐसे ही कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट करके ऐसे नहीं निकालूंगी, पहले हम इसे उल्टा कर लेंगे। फिर इसके जो स्टिच हुए हैं राउंड पूरे स्लीव्स में, राउंड में, उसको हम धागे निकाल लेंगे ताकि इसकी बिल्कुल किनारे की साइड से हम इसकी कटिंग कर सकें, जो इसका इसमें ओवरलॉक हुआ है किनारे पर, ताकि इसके जो धागे हैं उनके उसमें वो निकले ना, नहीं तो एक बार निकल गया तो पूरा वो उसल जाएगा पूरा स्वेटर। तो ये उस टाइप का स्वेटर है, तो यहाँ पे इसलिए मैं इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ ताकि ये सेफली इसी तरीके से रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से राउंड में पूरा, देखिए बिल्कुल किनारे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी भी कट कर ली है, एक मैंने सीधी रखी है, एक उल्टी है। तो जो उल्टी वाली स्लीव्स है उसके अंदर हम सीधी वाली को इस तरीके से डालेंगे और जो पूरे राउंड में इसको मैच करते हुए, इस तरीके से स्टिच मैच करते हुए पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पूरे राउंड में अच्छे से स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो अगर इसको कट करके निकाल रहे हैं बिना स्टिच निकाले हुए इसके धागे, तो उसमें आपको इसके पूरे किनारे पे जिगजैग सिलाई लगानी होगी ताकि ये इसके जो धागे हैं वो बाहर ना निकलें, नहीं तो ये पूरा उसलता निकल जाएगा, पूरा इसकी जो बुनाई है पूरी निकल जाती है, पूरी निकल जाएगी। इसलिए हमें इसमें जिगजैग सिलाई लगा लेनी है। अगर मैंने तो इसको इस तरीके से कट किया है तो इसमें जिगजैग सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। और इसको मैंने यहाँ पे राउंड में स्टिच कर लिया है, मैंने देखिए इसे सीधा कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। और अभी जो हमारा स्वेटर है उसका जो बैक नेक है वो वाली, वहाँ से हम एक स्ट्रिप कट करके निकाल लेंगे। तो इसका जो बॉर्डर वाली स्ट्रिप है वो बहुत ही पतली है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट करके मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ़ कर लिया है, तो ये मेरी 8 इंच की स्ट्रिप होगी, तो इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। तो हाफ़ करके मैंने इसको इस तरीके से जॉइंट कर लिया है और इसमें टॉप स्टिच लगा ली है। तो इस तरीके की एक स्ट्रिप रेडी हो गई है मेरी। तो इसको हम स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे अपनी साइड को रखते हुए, और फिर वहीं पे हम ये वाला स्ट्रिप जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को जॉइंट कर लिया है दोनों साइड से, और ये मैंने 6 इंच ऊपर लगाया है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिप जॉइंट हो गया। तो दूसरे स्लीव्स को हम इसको उसके अंदर इस तरीके से डालते हुए, देखिए इस तरह से हमारा ये गले में डालने वाला स्कार्फ बन गया है। तो आप इसमें फैंसी बटन भी लगा सकते हैं इस तरह शो करने के लिए। हमारा स्कार्फ बन के रेडी हो चुका है। तो हमने ये देखिए आपको पहन के इस तरीके से दिखाया है, ये इस तरीके से पहनने पर लग रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्वेटर है उसको हमने कट कर लिया है इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितना बड़ा पीस चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा स्वेटर है तो छोटा ही पीस मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा राउंड में बाजू का इसका रह गया है। तो वहाँ से हम थोड़ा आगे की तरफ स्टिच कर लेंगे चारों साइड में, तो आप दो ही तरफ इसमें स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम दोनों साइड पर स्टिच कर लेंगे, जो इसके ओपन साइड है दोनों वहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया और मशीन से एक साइड पे, एक साइड पे मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। आप इसे मशीन से और हाथ से दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो हम इसे हाथ से इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से जल्दी से रेडी हो जाएगा। और दूसरी साइड से जब भी इसके धागे निकल रहे होते हैं, जब इसकी बुनाई उधड़ने लगती है, तो वहाँ पर आप इसको इस तरीके से हम स्टिच कर सकते हैं ताकि इसके जो धागे हैं वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हम ऊपर से भी इस तरीके से पूरे में स्टिच कर लेंगे ताकि सिक्योर हो जाए पूरा। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है पूरा, और अब इसको हम सीधा कर लेंगे इसके बटन ओपन करके। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया, ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा कुशन कवर बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने पहले शर्ट से बनाया था कुशन कवर, और बहुत ही अच्छा कुशन कवर बनके रेडी हुआ था ये। तो आज मैंने अभी ये स्वेटर से बना लिया एक, तो देखिए ये 16x16 का कुशन कवर बनके रेडी हो गया है और बहुत ब्यूटीफुल सा विंटर के लिए ये हमारा कुशन कवर बनके रेडी हो गया है। इसे हम कहीं भी डेकोर कर सकते हैं, बेड पे, सोफे पे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये कवर बनके रेडी हो गया है। तो आप इस तरीके के कुशन कवर ओल्ड स्वेटर से बना सकते हैं और डेकोरेशन के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ओल्ड स्वेटर का भी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये हमारा थोड़ा सा पीस बचा है स्वेटर का, इसका भी हम यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। ये छोटा स्वेटर था तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे ग्लव्स बनेंगे, तो मैं ग्लव्स की कटिंग कर रही हूँ। आप इसमें मार्किंग करके कटिंग कर लें, मैंने इसको ऐसे ही कट कर लिया था हाथ रख के, तो आप इसे मार्किंग करके ही कट करें। तो यहाँ पे हम इसको पूरा शेप दे देंगे ग्लव्स का। तो मैंने यहाँ पे इसको एक साइड का कट कर लिया है, थोड़ा सा और उसको राउंड कर देंगे अंगूठे की साइड में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा शेप देके कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से इसको रखते हुए दूसरा साइड का भी कट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने दूसरे साइड का भी कट कर लिया, तो दोनों हमारे पीस रेडी हो गए हैं इस तरीके से। तो इसमें हम ऊपर की साइड पे बॉर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप्स बची थी साइड साइड की हमारे नेक की, तो वो कट करके इस तरीके से ले ली है। इसको हम इसके जो ग्लव्स के ओपन साइड रहेंगे वहाँ पे इसको हम बॉर्डर की तरह लगा देंगे। इस तरह से मेजर कर लिया है मैंने इसको, और यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको अब स्टिच कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से लेके पूरे में इसको स्टिच कर लेना है थ्री साइड में। तो इसको हम थ्री साइड में इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। किनारे पे जिगजैग सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके जो धागे निकले ना सिक्योर रहे ये। तो इस तरीके से रखते हुए पूरे में स्टिच कर लेना है हमको। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है, और एक देखिए एक हमने रेडी भी कर लिया है। तो सेम उसी तरीके से हमें दूसरा भी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच करके सीधा कर लिया है इस तरीके से। जो हमने स्ट्रिप कट करके निकाली थी बॉर्डर वाली, उसको ज्वाइंट कर लेना है पहले इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे, और उसको सीधा करके हम इसके अंदर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसको पूरे राउंड में अटैच कर लेना है। तो ये हमारा ग्लव्स बनके रेडी हो गया है देखिए। और इसमें किनारे पे जिगजैग सिलाई भी लगा लेंगे ताकि हमारा ये अच्छे से सिक्योर होकर बने। ये यहाँ पे मैंने बना लिए इनको, इन्हें बच्चे भी पहन सकते हैं और बड़े भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे हाथ का ये बन के रेडी हो गया है इस तरीके से। अगर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता तो ये थोड़ा और लंबा बन जाता, तो कपड़े के हिसाब से बन गया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ग्लव्स बन के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी इन तीनों आइडियो में से कोई सा भी आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।